कोरबा के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, कोदवारी में जंगल के रास्ते वोट देने जाने वालों को 4 किलोमीटर दूर मड़ई मतदान केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया गया। साथ ही कटघोरा डीएफओ निशांत कुमार के निर्देशन में हाथी प्रभावित क्षेत्र पर खास नजर रखी जा रही है। आज के दिवस मतदान का दिवस है और जो नागरिक और मतदाताओं की एक जो संख्या है वो अभी ही मतलब मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए आई है और ये एक अच्छा संकेत है। हम उम्मीद करते हैं कि जिले में मतदान का प्रतिशत बहुत ही बेहतर रहेगा। कोरबा विधानसभा के सभी 249 केंद्रों पर महिलाओं द्वारा मतदान कार्य संपन्न करवाया जा रहा है। इस प्रयास में महिलाओं की ट्रेनिंग हुई है और महिलाएँ जो बिल्कुल डेडिकेशन से इस पूरे प्रयास में शामिल है। छाया और पानी के लिए उनको निर्देशित किया गया है। चुनाव आयोग से भी निर्देश हैं कि पर्याप्त छाया और पानी की व्यवस्था की जाए और इसके लिए मतदान केंद्रों को और नगरीय ग्राम पंचायतों को और नगरीय निकायों को राशि दी जा रही है। देखिए, कोरबा जिले के अंदर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल, जिला बल एवं अन्य राज्यों से आए बल, SPO, हम सभी लोग जिला प्रशासन के साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं कोरबा की जनता से अपील भी करना चाहता हूं कि इस चुनावी त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और शांतिपूर्ण वातावरण में इस चुनाव को संपन्न कराने में पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें।